हेलो टू एवरीवन, क्या आप लोग भी अपनी थाइस को इस तरीके से बिल्कुल टोन चाहते हो? आप चाहते हो कि जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फैट्स आ गया वो ख़त्म हो जाए? तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ दो चार पोस्चर्स हैं, वो हम लोग योगा के परफॉर्म करेंगे। उससे देखिएगा आप लोगों को कितना जल्दी फ़र्क पड़ेगा, विद इन अ डेज फ़र्क पड़ेगा। सो उसके लिए कंप्लीट वीडियो बाजुओं पे और पेट को कैसे ख़त्म करना है, साइड लव हैंडल्स को कैसे ख़त्म करना है, हिप्स को कैसे ख़त्म करना है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो तो आपको यूट्यूब चैनल योगा विद THP पे या फिर आपको फेसबुक पेज पे yoga.with.THP पर मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ पोस्चर शेयर करने लगा हूँ, उसको आप परफॉर्म कीजिएगा। कुछ खड़े होके करने वाले हैं, कुछ बैठ के और कुछ लेट के। सो हर तरह के लोग जो हैं इसको परफॉर्म कर सकते हैं, भले उनके टांगों में अगर दर्द भी है बहुत ज़्यादा फिर भी वो इसको परफॉर्म कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो उसमें सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को, पहले अपने आप को वार्म अप कीजिएगा। वार्म अप के लिए भी वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगी, आसानी से आप उसको देख के कर सकते हैं यूट्यूब चैनल योगा विद THP पे। सो अब जब वार्म अप हो जाए तो वार्म अप होने के बाद फिर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पोजिशन में हम लोग खड़े हो जाएंगे। इस पोजीशन में खड़े होने के लिए आप मेरे पाँव की तरफ देखिएगा, पाँव को हमें थोड़ा सा खोलना पड़ेगा वाइड शेप में, ठीक है। जब हम यहाँ पे इस तरह से आएंगे तो यहाँ पे अपने दोनों बाजुओं को इस जगह पे रखिए और यहाँ पे 1 2 बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, 3 आपने बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना, बस यहाँ पे रुकना है ताकि आपके यहाँ पे आप हाथ रखिएगा, आपको महसूस हो कि आपके ये सारी साइड जो हैं वो टाइट हो गई हैं। 4 5 ठीक है, एक इसमें इस तरह से है, दूसरा इसी की वेरिएशन है, पाँव इतने ही हमारे खुले रहेंगे और हम लोग यहाँ से इस तरह से आएंगे। 1 2 कमर में देखें बिल्कुल सीधी है, 3 4 5 और फिर उठेंगे, या फिर हम लोग वो उस तरह से कर दें अगर आप समझते हैं कि आपके यहाँ पे दर्द है जोड़ों में, सो आप इस पोजीशन में भी रुक सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये वाइड रहेंगे और यहाँ पे सिर्फ प्रेशर आना चाहिए हमारा। 1 2 3 4 एंड 5 ये करने के बाद फिर और भी आप अपने पाँव खोल सकते हैं अगर आप समझते हैं, आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं अगर आपका इस पोजीशन में आप समझते हैं कि नहीं आप लोग खड़े हो सकते, दीवार का सहारा ले दीजिएगा, अदरवाइज़ इसको हम लोग इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं। 1 2 अब ये भी इस जगह पर आपको पूरा जलन महसूस होना शुरू हो जाएगी, 5 इसको सेकंड से स्टार्ट कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते इसको 10 सेकंड तक, 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप समझते हैं कि दीवार के साथ हाथ लगा के करना है सो आप इसको ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 ऑलराइट, तो ये करने के बाद कुछ देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करेंगे, टांगों को थोड़ा सा इस तरह से कीजिए ताकि यहाँ पर जो प्रेशर आया वो रिलीज़ हो सके। 1 ये दो तरह के से मैंने आपको बताया है, घुटनों के लिए अगर जोड़ों में दर्द है तो वो अलग से है, और घुटनों के बगैर जिनको जोड़ों में दर्द है वो दूसरा, वो उस तरह से भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरीके से इस पोजिशन में हम लोग खड़े हो जाएंगे। अब इस पोजिशन में खड़े होते होते हमें ये वाले अपनी राइट वाले पाँव को इस तरीके से कुछ देर के लिए उठाना है, आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं अगर आप गिरने लगे हैं। यही वाले पोस्चर में आपको चेयर पे भी बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसको बगैर सहारे के या बगैर उस तरह से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 सेकंड यहाँ पे करने के बाद फिर दूसरी वाली टांग को सहारा आप ले लीजिएगा अगर आप समझते हैं कि नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 जी, ये इस तरह के इसी में दूसरी वेरिएशन किस तरह से कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि ये मुश्किल है आप लोगों के लिए, सो आप लोग इसको इस तरह के शुरू शुरू में आप सहारा भी ले सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से 1 2 3 4 5 ठीक है, 5 इस तरह से करके फिर यहाँ पे सहारा लेते हुए, अगर आप समझते हैं सहारा नहीं कोई भी लेना तो आपने 1 आपने ओ बनाना है सर्कल में, 3 2 1 ठीक है, यहाँ पे फिर आपके प्रेशर आएगा, इसको आप 2 सेट्स कीजिए, 3 सेट्स कीजिए, यहाँ पे आपको अभी से 2 सेट्स करने के बाद ही आपको यहाँ पे महसूस होना शुरू हो जाएगा कुछ बर्निंग सी है कुछ आपको, क्योंकि आप हम लोग इस तरह से इसको इस्तेमाल नहीं करते। सो ये 2 करने के बाद हम लोग तीसरी इसको इस पोजिशन में 1 आप थोड़ा सा और पाँव को खोल लीजिए, 1 2
अब इस तरह से भी आप इसका ओ बना रहे हैं, लेकिन इसको इस तरह से उठा के इससे आपका ये जॉइंट भी खुलेगा, फाइव, और इसी तरीके से वन टू। अब पूरा आपका यहाँ पे फोकस भी होना चाहिए और यहीं पे आपका प्रेशर भी आना चाहिए, फाइव, ठीक है। ये करने के बाद आप कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए और रिलैक्स थोड़ा सा फील कीजिए, क्योंकि थोड़ा हट के हम लोगों ने काम किया है। सो उसके लिए ऑब्वियसली आप लोगों को शायद शुरू शुरू में दर्द भी महसूस हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं, क्योंकि दर्द इज़ अ इंडिकेशन ऑफ योर सक्सेस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पोजीशन में आएंगे और इस पोजीशन में भी हम लोग इसी तरीके से लेटते हुए ये वाला पाँव इस तरह से उठाएंगे और इसको भी वन टू थ्री फोर। अब ये देखिए सिर्फ यहाँ पे हमारे प्रेशर आ रहा है इस साइड पे, और इसी तरीके से हम लोग दूसरी साइड पे करेंगे, दूसरे वाले साइड पे भी इसी तरीके से लेटते हुए। ये वाला हाथ यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। तो इसको भी आपने इसी तरीके से गोल गोल ओ बनाने की कोशिश करनी है, और सेम इसी तरीके से आपने फिर अपने कमर के बल लेट जाना है और यहाँ से अपने ये वाले पाँव को उठाना है, और इसको भी आपने इसी तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव, और इसी तरीके से फाइव फोर थ्री। अगर आप समझते हैं कि आपने अपने हिप के नीचे अपने दोनों हाथ रखने हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि कमर में दर्द है आप लोगों को या हो सकता है, थ्री टू वन, ठीक है। सो इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये वो चंद एक पॉस्चर्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, इसको आप लोग ज़रूर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फैट्स हैं ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, टोंड हो जाए आपकी पूरी की पूरी टांगे, स्पेशली ये वाला एरिया आपका ज़बरदस्त हो जाए, शेप में आ जाए। सो इसको इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। आप इसको मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, जब आप समझते हैं आपके पास टाइम है, वार्म अप होइए, और उसके बाद इसके इसमें इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपको यूट्यूब चैनल योगा भी THP भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसको भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं यही वाले सारे पॉस्चर किस तरह से कुर्सी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कर सकते हैं उसके ऊपर भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग योगा विद THP। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ आएंगे। थैंक यू, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। Thank you.